Welcome to the Super Showdown prediction. Hey guys, welcome to the my channel Wrestling Mer. So इस वीडियो में हम prediction करने वाले हैं WWE Super Showdown की and with betting odds भी देखेंगे. So let start करते हैं वीडियो को. So first match is SmackDown Women's Championship Bayley versus Naomi, जो कि एक history बनने वाली है, जो कि first title defend होगा at Saudi Arabia में. So इसमें मेरा prediction है Bayley. एंड टाइटल चेंज तो होगा नहीं क्योंकि इसे रसलमेनिया तक जाना चाहिए. एंड इसमें बैटिंग ऑड्स का भी यही कहना है कि बेली ही इस मैच को जीतेंगी. एंड बहुत ज़्यादा फ़र्क है बैटिंग ऑड्स का भी कि बेली ही इस मैच को जीतने वाली हैं. आई होप कि टाइटल चेंज तो इसमें होने वाला नहीं है. सो वेल, टाइटल चेंज तो होगा नहीं जो कि रसलमेनिया में हो सकता है. एंड नेक्स्ट वन मैच इज़ अ ट्वेक माउंटेन ट्रॉफी, जो कि होगा एजी स्टाइल्स वर्सेस अंड्राडे वर्सेस बॉबी लेस्ली वर्सेस रूसेव वर्सेस आल्ट्रूथ वर्सेस एरिक रोवन वर्सेस सिक्स मैन गॉन्टलेट मैच. सो वेल, ये बहुत ही अच्छा मैच है एंड गॉन्टलेट मैच है. वेल, सो इसमें मेरे प्रिडिक्शन है AJ Styles एंड सेकंड प्रिडिक्शन इट्स रूसेफ, क्योंकि इन दोनों बंदों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. AJ Styles को तो हालांकि अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड AJ Styles अगर जीतेंगे तो अंडरटेकर के लिए, अगर मैच वो लड़ रहे हैं रसलमेनिया के लिए, सो तो उनका एडवांटेज रहेगा इस मैच को जीतने के बाद उनके पास. एंड रूसेव अगर इस मैच को जीतते हैं तो वेल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके करियर के लिए भी अच्छा रहेगा. एंड इसमें बैटिंग ऑड्स का सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन है AJ Styles बहुत ज़्यादा फेवरेट है बैटिंग ऑड्स के. एंड नेक्स्ट वन मैच इज़ सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी, मर्फी वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, जो कि अनयूजुअल स्टोरी लाइन के साथ में पता नहीं कहाँ से द स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ गए हैं. सो इस मैच में रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ये मैच होने वाला है. सो इसमें मेरा प्रेडिक्शन सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी होंगे. वेल, इसमें फेवरेट तो सेथ रॉलिंस एंड मर्फी हैं. सो सेथ रॉलिंस एंड मर्फी जीतने ही चाहिए. सो ये रसलमेनिया तक जानी चाहिए. एंड नेक्स्ट वन इज मैच द न्यू डे वर्सेस द मिज एंड जॉन मॉरिसन, जो कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ये मैच होने वाला है. सो इसमें ज़्यादा फेवरेट है द मिज एंड जॉन मॉरिसन. सो इसमें मैच भी जीतना चाहिए मेरे हिसाब से. मेरा भी प्रेडिक्शन है द मिज एंड जॉन मॉरिसन. भाई इन बंदों को तो टाइटल मिलनी चाहिए, भले से बाद में इनसे टाइटल छीन लिया जाए, ज़्यादा देर तक रेन न रख लिया जाए, बट इनको फर्स्ट टाइटल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसमें ये मैच जीतने चाहिए. एंड द मिज एंड मॉरिसन के पास चैंपियनशिप आनी चाहिए स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप. एंड द नेक्स्ट मैच इज विथ स्टिपुलेशन इज अ स्टील केज मैच, रोमन रेंस वर्सेस किंग कॉर्बिन, जो कि बहुत ही लंबी स्टोरी लाइन चल चुकी है. एंड नाउ कि अब स्टोरी लाइन को एंड कर देना चाहिए एट सुपर शोडाउन, बहुत ही अच्छा होगा WWE के लिए भी एंड इन दोनों के लिए भी. सो इसमें सबसे ज़्यादा बैटिंग ऑड्स में फेवरेट है रोमन रेंस. सो मेरे भी प्रेडिक्शन है रोमन रेंस के साथ में ही रोमन रेंस इस मैच को जीतेंगे एंड राइवलरी यहीं एंड कर देंगे. अगर बैरन कॉर्बिन जीतते हैं, किंग कॉर्बिन जीतते हैं, तो ये लंबी राइवलरी और भी जीत सकती है. सो वेल, इस राइवलरी को यहीं ख़त्म करने के लिए रोमन रेंस को जीतना जरूरी है. एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रॉक लेसनर वर्सेस रिकोशे, जो कि एट WWE चैंपियनशिप मैच होने वाला है. एंड ये देखना होगा कि स्क्वाश मैच होगा या इंटरेस्टिंग, थोड़ा लंबा टिकेंगे रिकोशे. सो ज़्यादा लंबा तो नहीं टिकेंगे 10 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा मैच जाता है ब्रॉक लेसनर का. सो वेल, इसमें बैटिंग ऑड्स का -2000, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्ट है कि ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीतने हैं. ऑब्वियसली ये प्रेडिक्शन तो है ही क्योंकि मैच फिक्स हो गया है एट रसलमेनिया, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर. सो इसमें टाइटल चेंज मे भी हो सकता है. सो इसमें ब्रॉक लेसनर, मेरे भी प्रेडिक्शन ब्रॉक लेसनर ही हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज द फिंड ब्रे वाइट वर्सेस गोल्डबर्ग. सो द फिंड वर्सेस गोल्डबर्ग एट WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, वेरी इंटरेस्टिंग मैच इन द इस मैच कार्ड में सबसे इंटरेस्टिंग मैच है. एंड इसमें कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि गोल्डबर्ग जीत सकते हैं या फिर द फिंड ब्रे वाइट जीत सकते हैं. इस हफ्ते के स्मैकडाउन में जो हुआ है भाई, उससे तो और ही ज़्यादा उलझन हो गई है. सो इसमें बैटिंग ऑड्स का फेवरेट जो है, बैटिंग ऑड्स फेवरेट जिसके हैं वो है द फिंड ब्रे वाइट के, जो कि द फिंड ब्रे वाइट इस मैच को जीत सकते हैं. अगर मे बी मेरे हिसाब से, मैं इट्स माय ओपिनियन, सो अगर रोमन रेंस वर्सेस द फिंड का प्लान कर रही है WWE एट रसलमेनिया, सो इस मैच को जीत सकते हैं द फिंड ब्रे वाइट. एंड मेरी प्रेडिक्शन भी द फिंड ब्रे वाइट के साथ में ही रहेगी एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एट WWE के लिए भी. सो इसमें द फिंड ब्रे वाइट इस मैच को जीतने चाहिए. सो वेल होगा. एंड सो ये मेरी मैच का प्रेडिक्शन थी एट सुपर शो डाउन. सो वेल, बैटिंग ऑड्स भी द फिंड के साथ नहीं है. सो देखते हैं इसमें बैटिंग ऑड्स जो मैंने बताया वो
रियल मैंने मतलब कहीं से खोज के निकाले हैं नेट से। सो वेल, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पता है क्या करना, लाइक करना, डिसलाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो करना है कर सकते हो। सो वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।